नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धार के निर्माणधीन कारम डैम से पानी निकासी से गांव को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन खेतों में खड़ी मक्का और कपास की फसलें बह चुकी है। संकट टलने के बाद 16 गांव के 14,000 घर वापसी कर चुके हैं, लेकिन उनकी खेती तबाह हो गई है। हालांकि शिवराज सरकार इसको लेकर गंभीर है, यही वजह है कि नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग सर्वे कराने जा रहा है। सोमवार को टीम ने खेतों का जायजा लिया और सर्वे 16 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। डैम पर तिरंगा फहराने के बाद जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। राजस्व विभाग की टीम के सर्वे के बाद रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा बांटा जाएगा। चैनल बनाई वो पूरे कंट्रोल में थी, हमारे नियंत्रण में थी। आज उसी का नतीजा है कि 18 गाँव में कहीं भी इसे कोई सूचना नहीं मिली कि किसी की नुकसान हुआ हो, किसी का मकान रह गया हो, किसी की फसल जो खराब हुई उसके सर्वे के आदेश दे दिए, कई भट्टे के उसके आदेश दे दिए, किसी के मवेशी कोई हो मकान उसके भी आदेश दे दिया। फिर से ये जो एक रणनीति हमने बनाई थी, हमारे दिल्ली से विशेषज्ञ आए थे, भोपाल से विशेषज्ञ आए थे और महाराष्ट्र से आए थे, हमने विचार विमर्श करने के बाद फिर एक कट एक छोटी नहर बनाई। उसका नतीजा था कि ये सुखद स्थिति हुई। मैंने शुरू दिन से कहा था हम काम आने के पास पहुंच गए, करीब पहुंच गए, पर चुनौती आज भी है, चिंता आज भी है, उसी को धीरे धीरे आज हमें सफलता मिली। ये सफलता हर व्यक्ति का इसमें योगदान, समर्पण और सहयोग था।